नमस्कार, आज है 8 अप्रैल, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूँ स्वाति रायना, तो हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइन से। देश भर में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को रविवार से प्राइवेट सेंटर्स पर लगेगी बूस्टर डोज, दोनों डोज के बाद 9 महीने का गैप जरूरी। ग्रोथ की चिंता से आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4% पर स्थिर, एमपीसी का अकोमोडेटिव रुख कायम, लिक्विडिटी घटाने के दिए संकेत। एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम, बिना कार्ड के निकाल सकेंगे एटीएम से पैसे, यूपीआई के जरिए होगा ऑथराइजेशन। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% बढ़ा 2021-2022 के दौरान, कुल टैक्स कलेक्शन 27,10,000 करोड़ रुपए रहा। देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए जल्द आएगी पॉलिसी, यूनिवर्सिटीज में शामिल होंगे सब्जेक्ट, इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण, कॉमिक्स से प्यार कैसे दिलाएगा रोजगार। और लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद हफ्ते के अंतिम दिन उछला बाजार, निफ्टी करीब 150 अंक बढ़कर 17,780 पर बंद, सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा उछला। आइए अब दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद ये बात कही। उन्होंने शरद यादव को राजनीतिक गुरु भी बताया। जब मीडिया ने शरद यादव से पूछा कि क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई 2400 घंटे कांग्रेस चलाता है तो वो राहुल गांधी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। भादु शेख बीरभूम से टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आपको बताएं, टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बोगटुई गांव में 7 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि 2 घटनाएं, टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या और बीरभूम हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कई कर्मचारी आज अचानक मुंबई स्थित शरद पवार के घर के बाहर पहुंच गए। कर्मचारियों ने महाराष्ट्र सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी शामिल है। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुप्रिया सुले ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा। इस दौरान शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले कर्मचारियों को समझाने की कोशिश करती दिखाई दी। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पवार के घर के कैंपस में तोड़फोड़ भी की। इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी के एक मामले में शिवसेना नेता और बीएमसी की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव की 41 संपत्तियों को कुर्क कर चुके हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में बांद्रा में 5 करोड़ रुपए का फ्लैट शामिल है। आईटी विभाग को संदेह है कि जाधव ने सभी संपत्तियां बीएमसी की स्थायी समिति का अध्यक्ष रहते हुए खरीदी थी। इधर राउत का आरोप है कि बीजेपी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस घटनाक्रम से अवगत हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर न चलाएं। उन्होंने कहा बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया और दुर्दांत अपराधियों की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। उन्होंने कहा ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, किसी को परेशान न किया जाए। बेंगलुरु में करीब 5 स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला है जिसमें बम विस्फोट की चेतावनी दी गई है। पुलिस के अनुसार मेल में लिखा था कि स्कूल कैंपस में शक्तिशाली बम लगा दिए गए हैं।
जिसके बाद सक्रिय पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने बताया कि इस मेल के बाद बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद 5 स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि पुलिस टीमें इन स्कूलों में छानबीन कर रही है, लेकिन छानबीन जब पूरी हुई तो वहां कुछ नहीं मिला। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्से और मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और झारखंड में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक गुजरात के उत्तरी भागों में हीट वेव का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान कुल टैक्स कलेक्शन 27,10,000 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,10,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12,90,000 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर पिछले वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% बढ़ा है। इसी दौरान कस्टम ड्यूटी कलेक्शन में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से अधिक रहा। एनएसई कोलोकेशन केस में ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में ब्रोकर्स के करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने 2019 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई इस मामले में पहले ही एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई के अनुसार रामकृष्ण के कार्यकाल के दौरान एक्सचेंज के अंदर को लोकेशन घोटाला हुआ था। को लोकेशन में ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सर्वर के करीब अपने सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जगह दी जाती है। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, वहीं चीन में हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां तक कि चीनी वैक्सीन साइनोवैक भी कोई असर नहीं दिखा रही। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है और अहम बात यह कि शंघाई के 87% लोगों को साइनोवैक की डोज लगी थी, लेकिन ओमिक्रॉन और एक्सई वेरिएंट की वजह से इस वैक्सीन की पोल खुल गई है। अब चीनी सरकार शंघाई में लोगों को देसी हर्बल दवा बांट रही है ताकि लोगों को नए वेरिएंट और फ्लू के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिल सके। पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा भी आज सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर दोहराया है कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ऐसा करना विदेशी साजिश का समर्थन करने जैसा होगा, जो वो कभी नहीं चाहेंगे। इससे पहले पाकिस्तान पॉलिटिकल कमेटी ने इमरान खान को सामूहिक इस्तीफे का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इमरान खान को इस्तीफा देने की सलाह दी। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान की जनता के साथ हैं, उनके कार्यकाल के दौरान मुल्क की छवि दुनिया में अच्छी हुई है और उन्होंने जनता के भले के लिए राजनीति की है। और आइए बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच अब बूस्टर डोज की तैयारी है। 10 अप्रैल यानी रविवार से 18 साल और उससे ज्यादा आयु वाले सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बूस्टर डोज उपलब्ध होगी। हालांकि बूस्टर डोज लेने के लिए जरूरी है कि दूसरा डोज लगाए हुए आपको 9 महीने पूरे हो चुके हों। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले की ही तरह मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलता रहेगा। साथ ही हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले की ही तरह बूस्टर डोज लगता रहेगा। सरकार ने कहा कि वो इन लोगों को बूस्टर लगाने के अभियान को तेज करेगी। आपको बताएं, देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है और अब तक 1,85,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश के सभी 15 प्लस आबादी में से लगभग 96% को कम से कम एक कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 15 प्लस एज ग्रुप में से लगभग 83% लोगों ने दोनों डोज ले ली है। और चर्चा के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, आपका बहुत स्वागत करते हैं।
जैसा हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान है, शायद ऐसा महाअभियान दुनिया में कहीं और किसी और जगह देखा नहीं गया। और उसके एक बहुत अहम जो मेंबर हैं, जो इसके हिस्सा है, वो आप भी हैं डॉक्टर भाटी। इसलिए जब हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो ये जानना समझना जरूरी है, ऐसे समय जब अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी कि अब आपको मास्क भी पहनना अनिवार्य नहीं है, ऐसे में बूस्टर डोज का ये सही समय है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समय की आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी चाइना भी है और चाइना के नेबरिंग कंट्रीज भी है और कुछ देशों के अंदर केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और कुछ कुछ नए वेरिएंट भी देखने को आ रहे हैं। इसके अलावा अभी समय हो गया है क्योंकि एंटीबॉडीज भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है कि काफी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगे हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं सेकेंड डोज को, तो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल अभी राइट टाइम है जिस समय हमें बूस्टर डोज को रोल आउट कर देना चाहिए। बाकी जैसा कि हमने देखा था कि पिछली बार हमारा जो वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज चरणबद्ध तरीके से चली थी कि पहले वैक्सीन आपकी जो 60 साल वाले हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, एल्डरली हैं, बट अब उसके बाद हमने 45 और कोमोर्बिड को देना शुरू किया था, पर बूस्टर के लिए 18 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए बूस्टर शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18 प्लस से अबव वाले हैं जो कोमोर्बिड है, जिनको अनडायग्नोस्ड है, जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारियां भी है, तो इसलिए जितने भी वयस्क हैं उनको बूस्टर डोज लगना अनिवार्य है गाइडलाइंस के अनुसार, जिनको सेकेंड डोज लगे हुए 9 महीने हो गए हैं। डॉक्टर भाटिया, अभी आपकी बात सुनकर कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और उसमें से एक सवाल जो मेरा भी है वो ये कि जो 2 डोज लग चुकी हैं, चाहे किसी ने कोवैक्सीन लगाई हो या किसी ने कोविशील्ड लगाई हो, जैसे जैसे ये पूरा महाअभियान आगे बढ़ा वैसे वैसे चर्चा होती रही क्या तीसरी जो डोज जब भी आएगी उसको किसी और कंपनी की वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है क्या। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो लोग अब बूस्टर डोज 10 अप्रैल के बाद लगाना शुरू करेंगे, क्या ये जरूरी है कि पहले अगर उन्होंने कोविशील्ड लगाई हो दोनों वैक्सीन तो कोविशील्ड ही लगाएं, या कोवैक्सीन लगाई हो तो कोवैक्सीन ही लगाएं, या बदल भी जा सकते हैं वैक्सीन को? जी बिल्कुल एकदम, आप जैसे बात कर रहे हैं मिक्स एंड मैच की, देखिए अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि हम दूसरी वाली जो हमारी प्राइमरी वैक्सीन लगी थी, मतलब जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको कोविशील्ड की ही बूस्टर या प्रिकॉशन डोज या थर्ड डोज जिसे हम कहेंगे वही लगेगी, और जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको वही वैक्सीन लगेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभी डेटा रोबस्ट नहीं है कि उसको लगाने के बाद कोई दूसरी मिक्स या मैच हम वैक्सीन करते हैं तो उससे कोई बहुत अच्छा कोई इस तरह का इफेक्ट आएगा। काफी अन्य देशों में भी इस तरह से जो जिनको प्राइमरी वैक्सीन लगी थी उसी की उनको थर्ड डोज लगाई गई है और उसका काफी अच्छा असर है। और दूसरा हम देखें भी भारत में जिस तरह से ये 2 वैक्सीन लगी है काफी ज्यादा पॉपुलेशन को, इनका काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है। जिस भी तरह के वेरिएंट अभी तक इंडिया के अंदर आए हैं तो हमने देखा है कि जो भी वैक्सीनेटेड थे डबल डोजेस के साथ उनमें हमने ना तो बीमारी की गंभीरता देखी और ना ही उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन देखा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए यही वाला विकल्प जो अभी उपलब्ध है थर्ड डोज का सेम वैक्सीन का, उनको वही लगवानी चाहिए। डॉक्टर भाटी, जब 2021 में इस वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से, उसके बाद सबको इसका इंतजार था कि कब कोविड वैक्सीन रोल आउट होगी और कम से कम वायरस से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो नहीं मिली, एक सुरक्षा जरूर मिली, लेकिन जब देश में कोरोना की दूसरी वेव आई ओमिक्रॉन की, जो कि डेल्टा के मुकाबले थोड़ी कम घातक थी लेकिन कंटेजियस ज्यादा थी, उसमें जो डबल वैक्सीनेटेड थे, माफ कीजिए, जो तीसरी वेव आई जो डबल वैक्सीनेटेड थे उनको भी कोविड हुआ लेकिन उतना ज्यादा हमें असर देखने को नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि जो कोविड वैक्सीन है क्या वो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर काम करती है? क्या वैक्सीन्स को भी इस तरीके से डिजाइन आगे आगे किया जाता है या जाता रहेगा जिससे कि कोविड के जो नए वेरियंट है, जो नए रंग रूप में कोविड हमारे सामने आ रहा है, उनसे निपटने की तैयारी हो? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हम लोगों को वैक्सीन पहले लग गई थी जब वैक्सीन रोल आउट होना शुरू हुआ था 2021 के अंदर ही, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया था जो कि काफी ज्यादा घातक था बट हमें उससे भी सुरक्षा मिली थी, और इसके बाद हम देखें सेकेंड डोज उसके बाद लगी थी, फिर ओमिक्रॉन वेरियंट आया तो बहुत अधिक पॉपुलेशन को ओमिक्रॉन वेरियंट, जैसा आपने भी बताया, वो बहुत अधिक संक्रामक था, बहुत सारे लोगों को हुआ,
बट फिर भी हमने कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा, क्योंकि इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है, इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है। आपको संक्रमण फिर भी हो सकता है, जैसा हमने ओमिक्रॉन के समय भी देखा कि अधिकतर लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर संक्रमण हुआ, पर उनको बीमारी की गंभीरता नहीं हुई, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, किसी भी तरह के वेरिएंट के आने के बाद निश्चित तौर पे उसका असर थोड़ा कम हो सकता है, पर फिर भी वैक्सीन उस तरह से काम करती है। तो फिलहाल अभी तक के जितने भी वेरिएंट आए थे उन पे हमारी जो अवेलेबल वैक्सीन है उनका असर रहा था। तो बिल्कुल निश्चित हो के लोगों को अब अपनी थर्ड बूस्टर डोज उनका जिस तरह पे जब भी उनका समय हो, जब भी उनके पास मैसेज आए तो उसके बाद लगवा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है कि जिन लोगों को अभी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था, जिन्होंने अपना टेस्ट कराया था, जिनको पता है, तो उनके लिए जो है ये वैक्सीन 3 महीने के बाद उनको लगेगी। जिनको जनवरी के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ था, अगर उनको 3 महीने हो गए तो वो लोग भी एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए। सर, आपने मेरे एक्चुअली जो मैं सवाल पूछने वाली थी उसका जवाब पहले ही दे दिया, क्योंकि जनवरी में हमने देखा एक बहुत बड़ा सर्ज आया था कोविड केसेस में, और अप्रैल से जो रोल आउट अब अगला जो बूस्टर डोज होगा, ये जो बूस्टर डोज होगा उसमें जो जनवरी में जिनको हुआ था कोविड वो तो 3 महीने के हिसाब से एलिजिबल थोड़े टाइम के बाद हो ही जाएंगे। अब साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों के मन में कई बार कई शंकाएं रहती हैं, तो पहले जब वैक्सीन रोल आउट हुआ था तब से था। अगर मैं साइड इफेक्ट्स के बारे में आपसे जानूं, एक जो आम साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के, खासतौर पर कोरोना वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट या जो थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? हाँ, देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि हमने जब वैक्सीन देखी तो पहला इस चीज को लेके लोगों के अंदर हेजिटेंसी थी साइड इफेक्ट को लेके, पर अब तो हमने इतनी करोड़ों डोजेज लगा दी है, इस तरह के कोई गंभीर साइड इफेक्ट दोनों ही या जो भी तीनों वैक्सीन अवेलेबल है उनमें किसी में भी इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो मुझे लगता है, और अब बहुत ज्यादा लोग साइड इफेक्ट को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं, पर एक चीज जरूर देखी गई है, जिस तरह से मैं कोविड वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी हूं, कि लोग थोड़ा सा सेकेंड डोज को लेके भी लोगों ने डिले किया था। उनको लगा था कि अभी कोरोना चला गया और इस तरह से अभी देख भी रहे कि इंडिया के अंदर भी ऐसे केसेस नहीं है, तो बूस्टर को लोग लेके कितना लोग उसको आगे आएंगे और लगवाएंगे वो थोड़ा सा अभी देखने वाली बात है। तो उसके लिए थोड़ा हमें और ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है वो आगे बढ़कर उसको लगा ले, क्योंकि कई बार जब भी वेरिएंट या जब भी इन्फेक्शन रेट कम होता है तो वैक्सीनेशन रेट भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कोरोना बिल्कुल चला गया है। पर हमें समझने की जरूरत है कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। बूस्टर डोज जिस तरह से अन्य देशों के अंदर भी रोल आउट हो गया तो उनको भी लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक और बात है कि वहां पर मैंडेट है, अगर आपको बूस्टर नहीं लगा तो आप वहां पर ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और जब भी समय हो आपका तो अपना थर्ड बूस्टर जरूर लगवा लें। आपने सही बोला डॉक्टर भाटी, फ्रांस है, नीदरलैंड, कुवैत, इजराइल, क्रोएशिया, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, ये कुछ ऐसे देशों में है जहां पर बूस्टर डोज अनिवार्य है। भारत में तो कहा जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि अपना बूस्टर डोज ले लीजिए। बूस्टर डोज मतलब क्या, पहला डोज ले लिया, दूसरा डोज भी ले लिया और उसको बूस्ट करने के लिए। डॉक्टर भाटी, एक डिबेट हमेशा से लोगों के बीच में ही चलती आती रही है, वो ये है नेचुरल इम्यूनिटी वर्सेज वैक्सीन इम्यूनिटी। इस पर मैं चाहती हूं आप लोगों के सामने तर्क रखें और उनको जरा समझाएं कि सही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो नेचुरल इम्यूनिटी अगर हम भारत की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों के अंदर काफी पाई गई थी। जब सीरो सर्वे किया गया था एंटीबॉडी टेस्ट, तो 80% से ज्यादा लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन था। तो नेचुरल इन्फेक्शन प्लस हम देख रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन रेट भी काफी अच्छा रहा है, तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई कि भारतीयों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन का दोनों का मिश्रण, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो उनसे उनको काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिला है, जिसका रिजल्ट हमने थर्ड वेव के अंदर भी देखा है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उसने अफेक्ट नहीं किया उस वेरियंट ने, तो ये काफी अच्छी बात है। पर फिर भी हम बात करते हैं कि पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन करने के लिए, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वैक्सीनेशन का भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत अधिक पता नहीं होता है कि कितने लोग के अंदर कितने समय तक जो है वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा।
तो इस वजह से हम लोगों को जो आपका वैक्सीनेशन वाला इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसको भी साथ के साथ लेकर चलना जरूरी है। बट निश्चित तौर पे जो नेचुरल इम्यूनिटी है जो आपने पूछा है वो काफी अच्छा प्रोटेक्शन देती है। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर समीर भाटी। आपने बहुत सारे दर्शकों के मन में जो सवाल उठ रहे थे बूस्टर डोज को लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर, वो हमारे साथ हमारे माध्यम से ये दूर किए हैं। जरूरी है कि कोविड वैक्सीन आप समय से ले, आपको मौका मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। और पिछला वेरिएंट गवाह है इस बात का कि जिन जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन ली थी उन्हें कोरोना का प्रभाव कम महसूस हुआ। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर आपका करेंगे। तो कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश भर में कोरोना के मोर्चे पर काफी ज्यादा राहत दी गई है। महाराष्ट्र में भी मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मुंबई शहर में सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। अब सैलानी भी मुंबई का रुख कर रहे हैं। कोरोना पाबंदियां खत्म होने के बाद अब बीच से लेकर पब्स तक में भीड़ देखने को मिल रही है। मास्क से मुक्ति के बाद क्या है कोरोना को लेकर लोगों का कहना, देखिए हमारे संवाददाता सुबोध कुमार की ये रिपोर्ट। मुंबई अब खुली हवा में सांस ले रही है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद बाहर की आबो हवा का लुत्फ उठाने लोकल मुंबईकर के साथ साथ बाहरी सैलानी भी मुंबई पहुंच रहे हैं। मास्क के साथ एंजॉय हो नहीं सकता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं मास्क की महत्ता को जानता हूं, लेकिन मास्क के साथ जो है एंजॉयमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए अब लोग एंजॉय नहीं करेंगे, जिंदगी जिएंगे कैसे? जरूर लग रहा है क्योंकि दो साल से हम लोग बिल्कुल बंधे हुए थे। इस बार हम लोग आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। जरूरी है, लाइफ में एंजॉय जरूरी है। अभी कहाँ से आप आए, मुंबई से या बाहर से आए? नहीं नहीं, हम लोग भागलपुर बिहार से आए हुए हैं, अभी छुट्टी मनाने के लिए आए हुए हैं। ये दो साल का जो स्ट्रेस था वो खत्म हुआ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में जरूरी है आदमी को बाहर निकलना, थोड़ा फिर से अपने लाइफ में वापस लौटने में अच्छा होता है। त्योहारों और शादियों का सीजन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, लिहाजा लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। भले ही सरकार ने पाबंदियों में ढील जरूर दी हो, लेकिन लोग एहतियातन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। थोड़ा सा वो उसमें थी, लेकिन आई जनरली आई एम अ पर्सन, मैं 99.9% में अपना मास्क डालती हूँ। इवन आफ्टर दिस वॉज लिफ्टेड कि गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी नहीं है, बट आई स्टिल फील इट इज अ फैंटास्टिक कॉल कि अगर आप अपना मास्क डाले रखें तो। We've got used to it already. मुंबई अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन कोरोना की सबसे तगड़ी मार नाइट लाइफ पर ही पड़ी थी। लेकिन मामलों में कमी और पाबंदियों से मुक्ति के बाद मुंबईकर अपने फेवरेट डेस्टिनेशन में जश्न मना रहे हैं। ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जब से मास्क चला गया है तब से तो और खुल के जीने का हो रहा है, तो एकदम बहुत मजा आ रही है। बट मास्क वैसे हम कैरी करते हैं क्योंकि क्राउड में जब जाते हैं तो मास्क पहनना ही पड़ता है प्रिकॉशंस के लिए। लाइक विदाउट मास्क ज्यादा अच्छे से बेटरमेंट मिल रहा है, लाइक वी कैन गो व्हेरेवर वी वांट एंड ज्यादा एंजॉयमेंट है, बट अगेन प्रिकॉशंस टू बी टेकन। अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बैक इन ट्रैक। IPL भी चालू हो गए, मेट्रो भी चालू हो गई, सब जगह पे अभी खुशहाली है। हमें कहाँ पे भी रोका नहीं जाता, कहाँ पे भी कुछ फाइन नहीं किया जाता। हमारी टीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये जानकर सुकून मिला कि कुछ पब्स पाबंदियां हटने के बावजूद एहतियातन कोरोना प्रोटोकॉल को अब भी फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो गवर्नमेंट का है वो अभी भी जारी है। जैसे नीचे आपको भी, आपकी पूरे स्टाफ को, आपकी पूरी टीम को हमने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पहले इश्यूएंस पूछा, बाद में जो सैनिटाइजर्स है उसके स्टैंड्स अभी भी हमने वैसे रखे हुए हैं। मास्क इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस नाउ कि हमको पहनना है नहीं पहनना है। गवर्नमेंट ने तो फ्री किया, बट फिर भी हम सारे प्रिकॉशंस, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें ताकि ऐसी कोई बाढ़, ऐसी कोई चीज़ें वापस ना हो जाए। तो दिस इज़ अ सेफ्टी इंडिकेशन फ्रॉम आर एंड कि हम कैसे सेफ रख सकते पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे हमारे स्टेट को। सरकार ने प्रतिबंधों को हटाकर आम लोगों को सहूलियत देने की कोशिश तो की है, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर कहीं पर भी वायरस बीमारी के साथ दस्तक दे सकता है। कैमरामैन सागर के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। अगर आप भी कार्टून, गेमिंग या एनिमेशन का शौक रखते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है ये, क्योंकि सरकार इस सेक्टर के लिए टास्क फोर्स का गठन कर रही है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और मोटी रकम भी कमा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। तो क्या है ये टास्क फोर्स, कैसे काम करेगी और आपको एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स में रोजगार दिलाने में कैसे मदद करेगी, करेंगे इस पर चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए।
कार्टून, गेमिंग या एनिमेशन, आज के जमाने में इनका क्रेज है। कुछ लोग कार्टून देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को एनिमेशन मूवी बेहद पसंद आती है। कुछ लोग गेम खेलने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। सोचिए अगर कार्टून, गेमिंग या एनिमेशन में आपकी यही रुचि आपके रोजगार का जरिया बन जाए तो कैसा रहेगा, यानी मनोरंजन के साथ रोजगार भी। इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स नेशनल एवीजीसी पॉलिसी तैयार करेगी, जिसके तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों में इन विषयों को शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। इन विषयों के शामिल होने के बाद जिन छात्रों को कार्टून, गेमिंग या एनिमेशन क्षेत्र में जाना है वो इस पाठ्यक्रम से जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के भाषण में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में एवीजीसी सेक्टर में क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को सबसे आगे रखने की क्षमता है। 2025 तक भारत वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के 5% यानी $40 बिलियन पर कब्जा करने की क्षमता रखता है। इससे लगभग 25-30% की वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नए रोजगार क्रिएट होंगे। दरअसल एनिमेशन का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सरकार ने एवीजीसी पॉलिसी तैयार की है, जिसके जरिए छात्र कार्टून, गेमिंग या एनिमेशन के कोर्स कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकेंगे। बता दें कि टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर सौंपेगी और उसके बाद इस फील्ड में पढ़ाई और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह। रजनीश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक समय तो ऐसा था कि कार्टून पढ़ते थे लोग और उसके बाद उसका डिजिटल फॉर्म हमें देखने को मिला सर, और अब तो VFS टेक्नोलॉजी के क्या ही कहने, प्री और पोस्ट जमीन आसमान का फर्क होता है। और इनफैक्ट अगर मैं कार्टून की बात करूं तो हमें तो कहते थे हमारे पेरेंट्स की ज्यादा कार्टून मत देखा करो, लेकिन ये खबर देखने के बाद शायद वो बोले कि हाँ कार्टून देखो और इसमें रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। तो आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा एनिमेशन का कारोबार है, ये जो पूरा VFX है, ये जो पूरा अगर हम बोलेंगे पूरा संसार है, इसमें स्कोप कैसा है? मैं देखिए, पैंडेमिक के दौरान जो एक सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जॉब के एंगल से कह लें या इंडस्ट्री की ग्रोथ के एंगल से देख लें, तो वो है IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। और मैं बिल्कुल ही हैरान नहीं हूँ कि इस तरह की एक क्षेत्र जिसमें अब फोकस लाया जा रहा है, जिसमें कि गेमिंग की बात हो रही है, कॉमिक्स की बात हो रही है, VFX के जैसे आपने बात किया, इस पर फोकस आना बड़ा जायज़ है, चूँकि हम लोग सब कुछ टेक्नोलॉजी के लेंस से अब देखना शुरू कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि इसके प्रति जो अट्रैक्शन है यूजर्स का, वो बढ़ता जा रहा है। जैसा हमने रिपोर्ट में भी देखा, आगे चल करके इसकी स्कोप भी काफ़ी है। जैसा आपने बोला, ग्लोबली ऑल्सो इसमें बहुत ग्रोथ की क्षमता है। कितने इसमें जॉब्स आएंगी, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि कितने अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये मास रिक्रूटमेंट वाली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी शायद ना हो। काफ़ी छोटी छोटी संस्थाएं होंगी, बुटीक फॉर्म्स होंगी, जो कि आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन बना करके देंगी। हो सकता है 50-60 लोग, हो सकता है 100 लोग तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। इसमें अच्छी बात यह है कि हम लोग इसके लिए एक पाइपलाइन तैयारी की बात कर रहे हैं, यानी कि कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अगर उस तरह का एक पाइपलाइन बन सकता है जिसमें हम स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की भी बात करें, तो ये बड़ा एक अच्छा फोकस रहेगा, ताकि हमारे लिए आज की तारीख में इस क्षेत्र में लोग अपने इंटरेस्ट के तौर पे इस क्षेत्र में आते थे, मगर अगर हम पढ़ाई के बतौर इसको ले आए, लोगों का इंटरेस्ट इसमें, और नेचुरली उससे हमारे पास एक टैलेंट पूल मिलेगा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो ये एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसको हमें थोड़ा सा अभी, जैसा टास्क फोर्स को 90 दिन का समय दिया गया है, हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से क्या क्या इसमें चीजें हैं, पहलू क्या रहेंगी, क्या चीज अच्छी बात होगी, किस तरह से इसको हम फैसिलिटेट करेंगे, ये अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच है थोड़ा अभी इस पूरे मैकेनिज्म के लिए। लेकिन सर, जब भी
एनिमेशन की फॉर एग्जांपल बात होती थी, जो टीयर टू सिटीज होती है वहां से लोग बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे हैं खासतौर पर आते थे एक टाइम पर एनिमेशन कोर्सेज के लिए, जो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहे हैं वो बड़े शहरों में ही रहे हैं, लेकिन जो छोटे शहरों में भी जो बच्चे हैं वो एनिमेशन हो गया, VFX हो गया, ये जो पूरा जो डिजिटल डिजाइनिंग है इसको लेकर काफी ज्यादा क्रेज रखते हैं, मतलब इन बच्चों का पलायन टुवर्ड्स बड़े शहर ना हो और छोटे शहरों में भी लोगों के लिए इस तरीके के अवसर बने, ये स्कोप इस पूरे फ्रेमवर्क में हम देखता हुआ नजर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस करेंगे और ये होना भी अनिवार्य है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का ब्यूटी यही है कि, और डिजिटलाइजेशन का ब्यूटी ये है कि इसमें कोई ज्योग्राफी नहीं रह जाता है, तो इसमें पेनिट्रेशन होना इस इंडस्ट्री का टीयर टू टीयर थ्री में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा। इंटरेस्ट काफ़ी है लोगों को अपने ही शहर में रह करके इस तरह का कार्य करने का, जिसमें कि आप ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बैठ करके सारा क्रिएट करके डेवलप करके आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। सो मेरा मानना तो ये बहुत ही है कि टीयर टू टीयर थ्री स्मॉल टाउन्स में भी इस तरह की हम लोग ज़रूर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट देखेंगे, काफ़ी लोग इसमें आगे बढ़ करके अपनी अपनी छोटी छोटी संस्थाएं बनाएंगे, स्टूडियोज बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह जब से पैंडेमिक खत्म हुआ है कितना कुछ हम लोग एक्शन देख रहे हैं इन सब एरियाज में, और मेरा मानना बिल्कुल यह है कि इसमें टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनका इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अगर आपका पैशन नहीं है तो आपको इसमें मजा नहीं आएगा, तो इसमें पैशन होना यानी कि आप खुद गेमर हो, आप खुद एक कॉमिक के आप कार्टूनिस्ट जैसे हो, शायद आपको इलस्ट्रेट करने में मजा आता हो, तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्किल सेट्स हैं जिसको हम लोग बहुत ही ऐसे छोटे शहरों में भी पा सकते हैं, और इसलिए इसका मैं मान के चलता हूं कि इसकी स्कोप ऐसे सिटीज में भी टाउन्स में भी रहेगा और ये देखने को हमें जरूर मिलेगा अगले कुछ सालों में। सर आपको लगता है कि अगर हम एजुकेशन लेवल पर ऐसे कोर्सेज की बात करें, मतलब ऐसे अगर करियर की बात करें, तो प्रॉपर एक कोर्स होने की ज़रूरत है कॉलेज लेवल पर भी, प्रोफेशनल क्यों ना प्रोफेशनल कोर्सेज के फहरिस्त में ऐसे कोर्सेज भी प्रॉपरली कॉलेज शामिल करें, क्योंकि हिचकिचाहट पेरेंट्स को भी होती है कि बच्चा ग्रेजुएशन क्या एनिमेशन में करेगा या फिर VFX में करेगा, ये अभी भी कंपैरेटिवली अगर हम अपने सोसाइटी में देखें एक नया फील्ड है और लोग समझ नहीं पाते कि इसमें कितनी कमाई होगी। टास्क फोर्स गठित करना अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर ग्राउंड लेवल पर और इन्हेंस किया जाए, प्रोफेशनल कोर्सेज के तौर पर बच्चों के लिए लाया जाए, तो शायद ये मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा, आई थिंक एक कोर्स होना, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस पे कोर्स, देखिए आज की तारीख में ये सब छोटे छोटे कोर्सेज रन होते हैं, बहुत छोटी छोटी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ऐसे कोर्सेज रन होते हैं, बट इसको अगर हमें डिफरेंट स्केल पे ले जाना है तो नेचुरली हमें इसे बड़े संस्था बड़े इंस्टीट्यूट्स में इनको एक फॉर्मली एक कोर्स हमें डिज़ाइन करके लाना पड़ेगा। उसका फ़ायदा यही रहेगा कि आप एक एक तरीके से सोच लेकर के एक इंडस्ट्री में आएंगे और उसका फायदा ये होगा कि आपकी एक तो एंट्री लेवल आपकी अच्छी हो जाएगी, दूसरी है कि आप जैसा आपने सही बोला क्या इसमें करियर है कि नहीं। अब ये जैसा आप देखेंगे अभी तक जो भी इंडस्ट्री रही है बहुत ही लिमिटेड सी इंडस्ट्री रही है, छोटी रही है, बट हम लोग अब लार्ज स्कोप की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली जब हम लार्ज स्कोप की बात करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएगा ही आएगा और उसमें हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि लोग अपना करियर जरूर बनाएंगे। इसमें करियर ग्रोथ के लिए सबसे अहम चीज ये रहेगा कि आप अपना स्किल सेट किस तरह कंटिन्यूसली डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये गेम्स और ये कार्टून्स वगैरह इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर आप इसको जितना आप इसको इवॉल्व करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली आप उतना ही आगे रहेंगे, आपकी जो टैलेंट है आपकी जो नीड रहेगी मार्केट में वो हाई रहेगी, यानी कि जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे उनके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग होना बहुत जरूरी है, ना कि जस्ट कि हम एक कोर्स करके आ गए और अब मुझे नौकरी मिल गई है और मुझे करियर भी मिल जाएगा, मैं वो मानता नहीं हूँ। ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप हर साल हर प्रॉब्ली 6 महीने में आपको नया नया स्किल सेट्स ऐड करते रहना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ अपने करियर में पाना होगा तो। बिल्कुल, और अभी अगर हम देश से बाहर देखते हैं एक बेहतरीन VFX शॉट के लिए या एक बेहतरीन एनिमेशन के लिए, जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। खुद मेड इन इंडिया क्रिएट इन इंडिया
हम देख पाएंगे, हमारे खुद के जो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं टेलीविजन सेट पर और जिन्होंने रजनीश जी की बातें सुनी है, उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये बात सामने आई है कि हाँ कोई भी किसी भी तरीके के ऐसे कोर्स में एनिमेशन हो गया, कॉमिक्स हो गया, डिजिटल डिजाइनिंग हो गई, उसमें भी एक बेहतरीन स्कोप आगे बढ़ने की तैयारी है। फ्रेमवर्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा, उसके बाद स्वरूप भी पूरी तरह मालूम चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप ऐसे किसी प्रोफेशन में अपना करियर, एनिमेशन के क्षेत्र में करियर भी अपना बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री में आज शामिल हुए। आरबीआई ने नए वित्त वर्ष की पहली पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दरों को लेकर अकोमोडेटिव रुख बरकरार है। सभी सदस्यों की सहमति से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया। यूक्रेन जंग के बीच क्रूड और बाकी कमोडिटीज का दबाव बना हुआ है, महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। मई 2020 के बाद से आरबीआई की पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि रेट घटाने से ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, जबकि रेट बढ़ाने से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। यानी इस बार के क्रेडिट पॉलिसी से ये संकेत जाता है कि आरबीआई का महंगाई के बजाय ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने पर जोर है। पॉलिसी रेट में बदलाव नहीं होने से असर की बात करें तो रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से एक बात तो साफ है कि लोन की ईएमआई पर भी कोई फर्क नहीं आएगा और कर्ज सस्ता बना रहेगा। प्रॉपर्टी के दाम भले बढ़ रहे हों, गाड़ियों की कीमत और एजुकेशन फीस भले ही बढ़ गए हों, लेकिन फिलहाल होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन महंगा नहीं होने जा रहा है, लेकिन रिटेल महंगाई को लेकर चुनौती बनी हुई है। दरअसल यूक्रेन जंग के बीच कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज की कीमतों का घरेलू स्तर पर दबाव बना हुआ है। क्रूड $100 के आसपास मंडरा रहा है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ₹100 के पार जा चुकी हैं। खाने के तेल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ी हुई हैं या फिर इनके वजन कम हो गए हैं। पिछले एक महीने में 400 ग्राम के ब्रेड का भाव ₹40 से बढ़कर ₹45 हो गया है। मैगी की कीमतों में 16%, दूध 6-8%, कॉफी 3-7%, चाय 2-14% और डिटर्जेंट 3-5% तक महंगे हो गए हैं। वहीं जिन कंपनियों ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, उन्होंने वजन कम कर दिया है। महंगाई के चलते ₹20 का 50 ग्राम का टूथपेस्ट 42 ग्राम का हो गया है। वहीं ₹10 का 100 ग्राम वाला साबुन 75 ग्राम और 40 ml का आंवला तेल 30 ml में आ गया है। ₹5 के बिस्किट के पैकेट का वजन 64 ग्राम से घटाकर 55 ग्राम कर दिया है। बता दें कि इस साल फरवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.07% के लेवल पर पहुंच गई थी, जो एक महीना पहले जनवरी में 6.01% थी। आरबीआई का टारगेट महंगाई दर को 4-6% के बीच में बनाकर रखने का है, लेकिन आरबीआई ने सप्लाई चेन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि सप्लाई में बाधा के चलते ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि आरबीआई ने रबी फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है, जो राहत की बात हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इकोनॉमी को अभी सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने मिलकर महत्वपूर्ण पॉलिसी रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्राहकों को जल्द ही बैंकों और उनके एटीएम से कार्डलेस पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कार्डलेस यानी बिना कार्ड के इस्तेमाल वाले ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा है और इसके तहत बिना कार्ड का इस्तेमाल किए यूपीआई के जरिए सभी बैंकों और उनके एटीएम से पैसे निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, फिलहाल एटीएम से बिना कार्ड का इस्तेमाल किए पैसे निकालने की सुविधा कुछ बैंकों तक ही सीमित है। At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions should help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc.
आरबीआई डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी शिकायतों पर जल्द नई गाइडलाइंस ला सकता है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह के सवाल पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जानकारी दी। सर, आपसे यही समझना चाहूंगा, अभी भी हमने देखा है कि डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं देश भर से काफी ज्यादा आ रही है, अलग अलग हिस्सों में जो जहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इसी में जो आरबीआई की एक वर्किंग ग्रुप की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी नवंबर के अंदर, तो वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसकी क्या टाइमलाइन होगी, अगर आप वो बता पाए। क्वेश्चन आपका था कि ये डिजिटल लेंडिंग में जो इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कंप्लेंट आ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। जहाँ पे भी कंप्लेंट आता है, डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए या इवन सोशल मीडिया में भी कभी कभी कुछ कंप्लेंट्स आते हैं जो कि हमारे नज़र में आते हैं, तो उसके ऊपर तो हम अलग से इंडिविजुअल केसेस में कार्रवाई करते हैं। और जो कमेटी हमने फॉर्म किया है उसका रिकमेंडेशन पब्लिक कमेंट्स के लिए हमने शायद 31 दिसंबर तक ओपन रखा था। वो कमेंट्स अभी सारे कमेंट्स आ गए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, वो सब अभी एग्जामिन कर रहे हैं, शायद एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो गया है और उसके ऊपर अभी हम इंटरनली डिलीबरेट करके उसको अगले 1-2 महीने में हम उसको फाइनलाइज करके हमारा क्या फैसला है वो बता देंगे। वहीं लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद हफ्ते के अंतिम दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। आज बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बाजार ने रफ्तार पकड़ ही ली। कल की FIIs की भारी बिकवाली से शुरुआत में दबाव जरूर था। निफ्टी ने करीब 17,600 पर सपोर्ट भी लिया। दोपहर से पहले बाजार सीमित दायरे में घूमता रहा, लेकिन इसके बाद इसने पकड़ी रफ्तार। FIIs की बिकवाली और वीकेंड के बावजूद अच्छी तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 412 अंक चढ़कर 59,447 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 145 अंक चढ़कर 17,784 पर बंद होने में कामयाब रहा। आज नेशनल जू लवर्स डे मनाया जा रहा है, मतलब जानवरों के लिए खास दिन। लेकिन क्या वाकई में आज जंगल से चिड़ियाघर में आए जानवरों की स्थिति खराब हो रही है? क्या चिड़ियाघरों ने छीन ली है जानवरों की आजादी? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 8 अप्रैल यानी आज मनाया जाता है नेशनल जू लवर्स डे, यानी वो दिन जिसे हम जानवरों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। पर हमारा सवाल यह है कि क्या वाकई जू का होना आज के समय में जरूरी है? क्या चिड़ियाघरों ने जानवरों से आजादी छीन ली? आज हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये बेहद जरूरी है। 8 अप्रैल यानी आज भले ही नेशनल जू लवर्स डे के तौर पर मनाया जाता हो, पर सच तो यह है कि आज चिड़ियाघर में कैद जानवरों के जनजीवन पर बेहद असर पड़ा है और यह असर बुरा है। पुराने समय में चिड़ियाघर अमीरों के लिए अपनी ताकत और संपत्ति दिखाने का जरिया होता था। वो जानवरों को महज शौक की तरह पालते थे। आज के समय में भी अगर देखा जाए तो लोग ज्यादातर चिड़ियाघरों को एंटरटेनमेंट के मकसद से ही देखते हैं। कि चिड़ियाघर जानवरों की लाइफस्टाइल पर अच्छा असर नहीं डाल रहे हैं। कुछ जानवर जैसे बिल्ली एक तरह के बंद वातावरण में पनपते हैं। ज्यादातर जानवर आजाद रहना और अपने तरीके से शिकार करके खाना पसंद करते हैं, जैसे शेर खुद शिकार करके खाता है, हाथियों को उसका झुंड पसंद है, जिराफ को खुद से ऊंचे पेड़ों से पत्ते तोड़कर खाने की आदत होती है, वहीं हिरण को खुलकर दौड़ने और जंगलों में घूमने की आदत होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन जानवरों को एक छोटे से सीमित जगह में इन सारी चीजों की कमी महसूस नहीं होती होगी? जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगी आज चिड़ियाघर में ठीक तो है, पर इसके साथ साथ ये कई सवाल भी पैदा कर रही है जो आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रही है कश्मीर की वादियां, और इस साल सैलानियों की बढ़ती भीड़ के चलते कश्मीर में 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। धरती का स्वर कहे जाने वाले कश्मीर में इस बार वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रही है कश्मीर की वादियां और हर दिन बढ़ रही है सैलानियों की यहां भीड़।
पिछले कुछ दिनों से कश्मीर पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। जनवरी से अब तक यहाँ 3,40,000 से ज्यादा पर्यटक कश्मीर की सैर कर चुके हैं, जो पिछले 10 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और आने वाली गर्मियों में इस संख्या में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की हरियाली देखकर सैलानी बेहद खुश हैं। हालांकि 2 साल पहले कश्मीर की तस्वीर कुछ और ही थी। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से कश्मीर में पर्यटन पर आधारित कारोबार लगभग बंद था, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दोबारा कश्मीर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। श्रीनगर की डल झील दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के शिकारों की सैर के लिए ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पर्यटक रात में शिकारों की सैर कर सके इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन भी हर सैलानी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला किया है कि अब यहाँ के स्प्रिंग फेस्टिवल को भी बड़े पैमाने पर सैलानियों के सामने पेश किया जाएगा। कश्मीर के श्रीनगर के डल गेट से मुगल गार्डन तक का रास्ता पर्यटकों की गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ है। 2022 में कश्मीर की जो नई तस्वीर देखने को मिल रही है वो अविश्वसनीय है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या कश्मीर में कमाई के नए नए विकल्प भी खोल रही है। भीड़ का आलम यह है कि ग्राहकों के लिए होटल नहीं मिल रहे, क्योंकि तमाम होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। गुजरात, दिल्ली और मुंबई जैसे दूसरों शहरों से भी टूरिस्ट अब यूरोप को छोड़कर कश्मीर की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही सारी तैयारियां करके रखनी होंगी, क्योंकि इस बार जन्नत की सैर करना इतना आसान नहीं होगा। उधर भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल हो रहे हैं। जबरदस्त गर्मी अभी और झुलसाने वाली है। वहीं महंगाई भी मुसीबतें बढ़ा रही है। सीएनजी के बढ़ते दामों के बाद दिल्ली में कैब ड्राइवर्स एसी चलाने के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। भीषण गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। अप्रैल में ही मई जैसी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। दोपहर में लू चलने से लोग परेशान हैं। प्रचंड गर्मी से बेहाल लोग इससे पार पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आसमान से बरस रही आग से बचने के लिए चेहरे को ढककर चल रहे हैं। गर्मी के चलते सड़कों पर चलना दूभर है। लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जबरदस्त गर्मी की मार, तो दूसरी ओर महंगाई भी लोगों पर सितम ढा रही है। भीषण गर्मी के बीच अगर आप दिल्ली में कैब में जाना चाहते हैं, तो आपको एसी के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। सीएनजी के बढ़ते दामों के बाद कैब ड्राइवर्स लोगों से एसी चलाने के अलग से चार्ज की डिमांड कर रहे हैं। कैब में बैठते ही वो कैब वाले बोलते हैं कि एसी चलाएंगे नहीं, एसी चलाने के बाद वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं। वही बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, उसके लिए चार्ज ले गए, एसी खराब है, बहाने मारते हैं, फालतू में ऐसे मतलब करते ही नहीं है ऑन बहुत से। तो कैब में ज्यादा पैसे लगने से लोग परेशान हैं, तो वहीं कैब ड्राइवर्स की अपनी कहानी है। ये अपनी अलग मजबूरियां गिना रहे हैं। जब ये एसी की सुविधा दी जा रही थी, जब 37.50 रुपए सीएनजी थी, लेकिन आज वो सीएनजी बढ़कर लगभग 70 रुपए हो गई है। कंपनी जब सरचार्ज लगाती है, किसी पे 1.5 का, किसी पे 1.8 का, किसी पे 2% का, किसी पे 2.5 का, राइडर वो जब पे कर सकता है, सरकारी किराया राइडर पे करने को राजी है, तो जो है ये अगर हमने 50 रुपए मांग लिए तो क्या गुनाह कर दिया। बहरहाल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल हैं, तो वहीं बढ़ती महंगाई ने भी इस तपिश को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर रूस यूक्रेन जंग के 43 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। हमले में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमला डोनेट्स्क में हुआ है। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया कि जिस समय हमला हुआ, उस समय हजारों लोग यहां से बाहर निकलने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रूस ने इस हमले से इनकार किया है। वहीं रूस ने कहा है कि उसकी सेना ने ओडिशा में एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिया है।
रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह रूस लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है, उसी तरह पश्चिमी देशों से उस पर प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार जारी है और ये थमता नजर भी नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन। रूसी हमले जारी, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही के निशान। बुचा में अभी चारों ओर बिखरे हैं नरसंहार के सबूत। अब रूस की हमले की नई तैयारी, यूक्रेन का टूटना तय। यूक्रेन को दिखने लगी है तीसरे विश्व युद्ध की संभावना। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के 1.5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। रूसी सेना लगातार अपनी रणनीति बदल रही है और यूक्रेनी सैनिक जवाब दे रहे हैं। बातचीत से यह मामला सुलझता ही नहीं दिख रहा है और ऐसी संभावना लगती है कि यह युद्ध जल्द विश्व युद्ध में न बदल जाए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि डोनबास की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध जैसी हो सकती है, मतलब डोनबास में कुछ बड़ा होने वाला है। The battle for Donbas will remind you of Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. This will not be a local operation based on what we see in Russia's preparations to it. अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बुचा में बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। बुचा से आपको अभी तक हमने काफी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए हैं। वहीं इन तस्वीरों को देखिए, कीव में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कब तक ऐसे हालात रहेंगे कहना मुश्किल, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि रूस कीव पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है। रूस जहां यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से ब्रसेल्स में नेटो की बैठक में मुलाकात की। यूक्रेन की कोशिश नेटो देशों से ज्यादा मदद जुटाने की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साइप्रस के संसद को संबोधित करते हुए रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अभी तक रूस पर प्रतिबंधों का बहुत ज्यादा असर तो हुआ नहीं है। वहीं रूसी सैनिक यूक्रेन के अलग अलग जगहों से लौटने लगे हैं और खबरों के मुताबिक मकसद डोनबास पर बड़ा हमला करना है, यानी अभी यूक्रेन युद्ध में बहुत कुछ होना बाकी है। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही श्रीलंका में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हर क्षेत्र के साथ चाय की खेती से जुड़े लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं और बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। राष्ट्रपति पर इस्तीफा देने का दबाव है और श्रीलंका के लोग लगातार राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। माथे पर काली पट्टी बांधे महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। कंगाली से श्रीलंका में कोहराम मचा है। यहां की इकोनॉमी का मुख्य आधार चाय की खेती और इसका निर्यात है, लेकिन श्रीलंका सरकार के फैसले ने चाय बगान के बिजनेस को बड़ी मुश्किल के दौर में ला दिया है। श्रीलंका ने केमिकल फर्टिलाइजर के आयात पर बैन लगाने का फैसला लिया था। इस वजह से देश में कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा और खाद की कमी से चाय का उत्पादन लगातार कम होता चला गया। ऐसे में चाय की खेती से जुड़े लोगों का जीवन अंधकारमय हो गया है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था से भारत के इस पड़ोसी देश के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं।
महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोग खाने पीने को मोहताज हैं। श्रीलंका के नुआरा एलियस विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।